भागलपुर देश की सरहदों की निगरानी करने में लगा एक बीएसएफ जवान पिछले 23 दिनों से अपनी पत्नी की तलाश में पुलिस के वरीय पदाधिकारियों से लेकर कई थानों के चक्कर काट रहा है और पत्नी को ढूंढने की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से परेशान होकर पत्रकारों से गुहार लगा रहा है। अब आप लोग ही पत्नी को ढूंढने में मदद करें। बीएसएफ जवान अमित कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है और उनकी पत्नी, बेटी और माँ औद्योगिक थाना क्षेत्र के झुलखड़िया हैप्पी वैली स्कूल के पास किराए के मकान में रहती थी। 31 अक्टूबर को सुबह इनकी पत्नी दूजा कुमारी घर से निकली और फिर वापस लौट कर नहीं आई। घर वालों ने खोजबीन की लेकिन नहीं मिलने पर लापता होने की सूचना थाने को दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में महिला को निकलते हुए देखा गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह आरोप फौजी जवान लगा रहा है। वही उसका कहना है कि उसने आसपास के जिलों के कई थानों में पत्नी की खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद पत्रकारों से गुहार लगाई है। फौजी का कहना है कि उसे शक है कि पत्नी को कहीं बहला फुसला कर कोई लेकर भाग गया है और उसे डर है कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में उसकी पत्नी कहीं फंस तो नहीं गई है। जवान का कहना है कि वह देश की निगाहबानी करता है लेकिन उसके परिवार की देखरेख करना आम लोगों के हाथ में है। जब उसका परिवार ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो वह अपना काम कैसे कर पाएगा। लापता दूसा कुमारी की मासूम बेटी माँ से अपील कर रही है कि माँ तुम कहीं भी हो जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ। बेटी का कहना है कि माँ मेरे लिए स्वेटर खरीदने गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है और माँ से वह गुहार लगा रही है कि माँ जल्दी वापस आ जाओ। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक नीताशा गुड़िया का कहना है कि मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है और महिला को खोजने का प्रयास किया जा रहा है, जल्द ही सफलता मिल जाएगी। अभी उसमें पता लगाया जा रहा है उनके भी संबंधी और वो महिला जो हैं उनका भी जो है मोबाइल से किन किन से बात करती थी और कहाँ जाने की संभवता हो सकती है, क्योंकि जो बीएसएफ के जवान जो उनके पति हैं उनके द्वारा भी बताया गया था कि थोड़ी डिस्टर्ब्ड रह रही थी। तो अभी उसमें हम लोग आगे की तफ्तीश हमारी जारी है, उम्मीद है कि जल्दी ही उनके बारे में बरामदगी भी हो जाएगी। देश की सुरक्षा में लगे जवान की पत्नी को 23 दिनों तक पुलिस के द्वारा नहीं खोजे जाने को लेकर जवान जहां पुलिस के रवैये से नाखुश है, अब सवाल उठता है कि जब देश की सुरक्षा में लगे जवान के साथ पुलिस इंसाफ नहीं कर पा रही है तो आप लोग के साथ क्या होगा। फिजिकली मेहनत कर रहे हैं, आसपास के थाना में जाकर पूछ रहे हैं, या जैसे मुंगेर पूरा छान मारे, कटिहार छान मारे, उसके बाद पूर्णिया, तो दूसरे थाना में जाते हैं तो बोलो बोलते हैं हमको इस चीज का पता, स्टार्टिंग में गए थे हम तो वहाँ पे हम लोग को बताया गया कि यहाँ हमको खबर ही नहीं है, यानी कि यहाँ जो थाना में जो होना चाहिए पता नहीं, ये सर्कुलेट किए नहीं किए इनके बारे में हमको पता नहीं है। उनको सर्कुलेट करना चाहिए ना, हर थाना में बिहार में जो थाना है या लेडीज थाना या जैन थाना जो भी है वहाँ पे सर्कुलेट पता नहीं किए नहीं किए, भगवान हो सकता है किए होंगे लेकिन इनके बारे में हमको कंफर्म पता नहीं है। सर जगह घूम चुके हैं, हाँ हाँ, हम जो है मुंगेर का यहाँ से लेके मुंगेर तक में जितना थाना है मेरा भाई SSB में है उनको भेजे, वो हर थाना में जाके इन्फॉर्म किया। उसके बाद कटिहार हम खुद गए, कटिहार में पूरा थाना को बोले, उसके बाद पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट पूरा घूम रहे थे। क्या हम लोग को शक हुआ कि क्या CCTV कैमरा जो 0 माइल में था ना वहाँ पे गए, वहाँ पे हमको पता चला कि रोड क्रॉस कर रही है। वहाँ जब गए ना कटिहार का एक सरस्वती ट्रेवल्स है तो उनको हम फोटो दिखाया अपनी बीवी का, वो बताया क्या ये तो औरत मेरी बस में चली थी। हाँ, उसके बाद कंडक्टर से पूछे, वो बोला कि नहीं चली नहीं है, वो कबूल नहीं किया। उसके बाद हमको शक हुआ, हो सकता है झूठ बोल रहा होगा कंडक्टर, तो हम शक के आधार पर कटिहार गए। कटिहार जाने के बाद जो पूरा देखे तो वहाँ कुछ आदमी बोला क्या यहाँ दिखाई दिया इस टाइम में इतना टाइम में उतना टाइम में, तो वहाँ आस पास जितना CCTV फुटेज था सबको चेक किए तो वहाँ हमको ऐसा कुछ मिला नहीं। यहाँ SSP के पास गए तो क्या, SSP मैडम के पास गए तो वो प्रॉब्लम सुनी मैडम, उसके बाद मैडम ने जो है ना वो अपना जूनियर जो है CTSP स्वर्ण प्रभात साहब उनको रिकमेंड कर दिए, उनसे आप मिलिए वहाँ मिले तो क्या। हाँ, तो वहाँ मिले तो वो भी प्रॉब्लम सुने, बोला देखो ये तो गुमशुदा वाला केस है, इसमें तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो सर्कुलेट कर देंगे पूरा हर जगह जितना थाना वाना सर्कुलेट, बाकी हम जो है ना आपको जो भी हेल्प चाहिए वो हम बोल देते हैं थाना इंचार्ज को, वो करेंगे आपको है। थाना प्रभारी, हाँ थाना प्रभारी के पास गए बताए, वो तो कभी थाना में रहते नहीं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, जाते हैं मिलते नहीं है ठीक से, और उसके बाद जब आते हैं वो बोलते हैं हम तो कर रहे हैं कोशिश अपना कर रहे हैं। कहीं से कोशिश नजर आया आप लोगों को? हमको तो नहीं लग रहा है कोशिश कर रहे हैं, कहे कि वो सिर्फ क्या किए हैं
हो सकता है आसपास के थाना में बोल दिए हैं। इसके बाद जो होना चाहिए पुलिस का कोशिश, जैसे हम लोग का कोशिश होता है बीएसएफ का आर्मी का, वो कोशिश हमको यहाँ नजर नहीं आया। कहा कि हम लोग को कोई टारगेट दिया जाता है ना, उसको पूरा करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं। यहाँ सुन लिए, हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, बस इतना ही बोलते हैं लोग, बाकी कुछ नहीं। कमांडेंट आपके नंबर मांगे थे? हाँ, तो हमारे कमांडेंट साहब नंबर मांगे थे, तो नंबर हम दिए, उनको व्हाट्सएप पर भेज दिए, अपना एसएसपी मैडम का और एसपी सिटी एसपी साहब का नंबर भेजे और फोन उठाए। हाँ, तो उनको हम बोले कि सर ये नंबर है, तो बोले क्या वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, कई बार किए। हाँ, वो किए तीन चार बार तो किए ही होंगे, बोला फोन दूसरा रिसीव नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो यही हुआ, बाकी उनको हम बोले आप अपने तरफ से कोशिश किए, तो वो बोले क्या देखो फोन उठाएंगे तब तो हम बताएंगे ना, हम तो दूसरे महकमा के, हम तो मान लो वहाँ से हम नहीं आएंगे, हम तो फोन के माध्यम से बोलेंगे, तो फोन रिसीव करेंगे तब तो हम बताएंगे ऐसे प्रॉब्लम क्या है। काफ़ी परेशान? हाँ, बहुत परेशान है। जब से हम 31 तारीख को आए हैं शाम 3 बजे, उस समय से हम परेशान हैं, खाने का ठिकाना, रहने का ठिकाना कुछ नहीं। हम हमेशा जो है कभी जहाँ हमको शक होता है वहाँ जाते हैं, हर जगह ढूंढ ढूंढ के, क्या कहें, परेशान। देश की सेवा में लगे हुए हैं आप, लेकिन आप जब परेशानी में कोई आपको, हम देश की सेवा, इतना सेवा हम देश का भी अभी नहीं किए हैं जितना हम 20 दिन के दौरान हम अपना सेवा कर लिए अपनी बीवी को ढूंढने, इतना हम वो देश सेवा करने देवा से देश सेवा कर रहे हैं, बहुत जान जी से कर रहे हैं, लेकिन इतना कष्ट हमको नहीं हुआ 20 दिन के दौरान जितना हम वहाँ हुआ था। वहाँ हर चीज़ का नियम कायदा है, हर चीज़ डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक हम लोग चलते हैं, लेकिन यहाँ हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ पे जितना सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के पास तो सारे खराब है, किसी का कैमरा घूम रहा है, किसी का बोला यहाँ पे वो नहीं है अपना वो मॉनिटर नहीं होता सीसीटीवी का, टीवी टाइप का मॉनिटर, डिस्प्ले वाला डिस्प्ले ही नहीं, कहीं डिस्प्ले नहीं। थाना प्रभारी का कहीं से कुछ लग रहा है कि तत्पर है खोजने के लिए? हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगा तत्पर, लेकिन वो जाते हैं जो बोलते हैं, देखो हम कोशिश कर रहे हैं अपना दम दे, पूरा कोशिश कर रहे हैं हर जगह अपना जो बोले हैं हम सही बोलेंगे, वो बोला हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं। कोशिश कहीं नजर आई आपको? कोशिश तो हमको नजर नहीं आई, क्योंकि कोशिश अगर हमको नजर आता तो पुलिस इधर उधर घूमता, हर जगह रेड मारता, छापा मारता, जैसे यहाँ पे कोई कितने भी मला कोई आदमी होता है ना, कोई सिटी में बड़ा बड़ा माफिया, कोई छोटे मोटे आदमी टाइप का, उसको उस पर रेड मारते या उनका पता करते, वो सब तो हमको कुछ नजर नहीं आया। सरकार ने क्या लगता है अपहरण हुआ है पत्नी का? हो सकता है अपहरण हुआ हो, कन्फर्म तो हमने बोले हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है ना, हो सकता है कि कोई भटक रही होगी, माला फुसला के टपा दिया, कोई इधर उधर कुछ कर दिया, ये हो सकता है, ठीक है। हम कन्फर्म को भी मैटर में नहीं बोल सकते, हम हर कुछ सोचते हैं, हर जगह देखे हैं, ड्यूटी किए हैं, पंजाब ड्यूटी किए हैं, गुजरात ड्यूटी किए, आसाम ड्यूटी किए, छत्तीसगढ़ में हैं अभी, तो जब तक प्रूफ का कैसे बोल सकते हैं कि अपहरण हुआ है या कुछ हुआ है, किसी को ऊपर शक है। हम देश की सेवा, इतना सेवा हम देश का भी अभी नहीं किए हैं जितना हम 20 दिन के दौरान हम अपना सेवा कर लिए अपनी बीवी को ढूंढने में, इतना हमको देश सेवा करने देवा से देश सेवा कर रहे हैं, बहुत जान जी से कर रहे हैं, लेकिन इतना कष्ट हमको नहीं हुआ 20 दिन के दौरान जितना हम वहाँ हुआ था। वहाँ हर चीज़ का नियम कायदा है, हर चीज़ डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक हम लोग चलते हैं, लेकिन यहाँ हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ पे जितना सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के पास सारे खराब है, किसी का कैमरा घूम रहा है, किसी का बोला यहाँ पे वो नहीं है अपना वो मॉनिटर नहीं होता सीसीटीवी का, टीवी टाइप का मॉनिटर, डिस्प्ले वाला डिस्प्ले ही नहीं, कहीं डिस्प्ले नहीं है। कहीं से कुछ लग रहा है कि तत्पर है खोजने के लिए? हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगा तत्पर, लेकिन वो जाते हैं जो बोलते हैं, देखो हम कोशिश कर रहे हैं अपना दम दे, पूरा कोशिश कर रहे हैं हर जगह अपना जो बोले हैं हम सही बोलेंगे, वो बोला हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें। कोशिश कहीं नजर आई आपको? कोशिश तो हमको नजर नहीं आई, क्योंकि कोशिश अगर हमको नजर आता तो पुलिस इधर उधर घूमता, हर जगह रेड मारता, छापा मारता, जैसे यहाँ पे कोई कितने भी मला कोई आदमी होता है ना, कोई सिटी में बड़ा बड़ा माफिया, कोई छोटे मोटे आदमी टाइप का, उसको उस पर रेड मारते या उनका पता करते, वो सब तो हमको कुछ नजर नहीं आया। सरकार ने हो सकता है अपहरण हुआ हो, कन्फर्म तो हमने बोले हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है ना, हो सकता है कि कोई भटक रही होगी, माला फुसला के टपा दिया, कोई इधर उधर कुछ कर दिया, ये हो सकता है। देखिए हम कन्फर्म को भी मैटर में नहीं बोल सकते हैं, क्या हमारे पास को। अब क्या लग रहा है आपको? अब हमको लग रहा है कि आप लोग कुछ कीजिएगा तो होगा, क्या कि हम तो ऐसे न्यूज चैनल ही न्यूज़पेपर में दे दिए, दैनिक जागरण, उसके बाद हिंदुस्तान, ऐसा कुछ मन में शक
किसी पे? शक तो कोई पब्लिक पे हमको नहीं है, हमको अपनी बीवी पे उतना विश्वास था, ये उस तरह की औरत भी नहीं थी। उसके बाद उसका मोबाइल पूरा चेक किए, कॉल डिटेल निकलवाए, जितना डेटा होता है गूगल व्हाट्सएप फेसबुक हर चीज़ चेक किए, उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला। जब आपकी वाइफ पे इतना भरोसा है, फिर भी वो कैसे चली गई? हाँ, फिर भी वो चली गई इसलिए कि वो कुछ तरह मेंटली डिस्टर्ब थी। हाँ, लेकिन उतना भी डिस्टर्ब नहीं थी, चली जाएगी, लेकिन गई ना, हो सकता है वो गलत आदमी के चक्कर में फंस गई, कोई उसको किडनैप कर लिया, या हो सकता है कि वो बोली होगी कि हम घर से बाहर निकल गए हैं, अब हम कैसे जाएं, तो उसको कोई लेडीज या कोई जेंट्स, हो सकता है कुछ रिंग ले लिया होगा, कान का खोले बोला होगा वो लोग, घर से कुछ सामान भी लेके गई है? घर से कोई सामान नहीं लेके गई है, सिर्फ जो कपड़ा पानी है, एक रिंग है उसके अंगूठा में, कान में एक छोटा सा है, अब मंगलसूत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है।